श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा के जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में, इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, डेकोरेटिंग आइटम्स, टॉयज एक्सेट्रा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर होम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हर प्रकार की खरीदारी के लिए एक मात्र बेहतरीन जगह आज ही आए, खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 18 दिसंबर 2022 को हमारे शादीपुर क्षेत्र के वेट्रीमलाई मुर्गन टेंपल में एक बहुत ही भव्य पूजा का आयोजन हुआ था, जो कि भगवान स्वामी अयप्पा के नाम पर महा अन्नदान किया गया था। हजारों की श्रृंखला में श्रद्धालु सुबह से ही भगवान के दर्शन करने भीड़ जमाए हुए थे और पूरी भक्ति के साथ पूजा अर्चना के बाद सबने प्रसाद लिया और अन्न सेवन किया। मंदिर के स्वामी जी ने हमारे चैनल से बात की और पूरे द्वीपवासियों के साथ सभी की सुखद जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करने की बात की व आशीर्वाद भी दिया। हमारे चैनल को इस पूजा की कवरेज करने के लिए सम्मान में हमारे टीम मेंबर्स को शॉल पहनाया और प्रसाद भी दिए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं आज एक मंदिर परिसर में हूँ, मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार में, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से भगवान अयप्पा का पूजा होता है, उसी तरीके से हमारे अंडमान में अयप्पा पूजा बड़े धूमधाम से, बड़े ज़ोर शोर से होता है। उसी के उत्सव पर अभी आप लोगों को पता ही होगा कि अयप्पा पूजा का समय चल रहा है, तो इसी बीच कई जगह पर, कई इलाकों में जो मुर्गन मंदिर होते हैं वहाँ पर अन्नदानम की प्रथा चलती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज हम वेट्रीमलाई मुर्गन टेंपल में आए हैं, जहां पर महा अन्नदानम पूजा का अरेंजमेंट किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमा हुए हैं और इन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया। हम आपको बता दें कि बहुत ही भव्य पूजे का आयोजन किया गया है, जहां पे हजारों की संख्या में आप जैसे देख सकते हैं कि श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना होगी भगवान अयप्पा की, और साथ में अन्नदान भी होगा समापन में। चलिए हम आपको इसकी पूरी कवरेज दिखाते हैं। Gracias.
चलिए अभी हम मुरुगन टेम्पल के जो पुजारी हैं श्री गुरु स्वामी जी, उनसे आज की इस पूजा के बारे में हमारे दर्शकों के लिए जानते हैं। नमस्कार सर। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, महा अन्नदानम, महा कन्नी पूजा आज हो रहा है। ये पूजा आज नहीं है, 55 साल हो गया है। हम तीसरा गुरु स्वामी मंदिर में आज कम से कम 4,000 पीपल अन्नदानम दे रहा हूँ हम लोग। इसीलिए ये महा अन्नदान में हर साल 18 तारीख संडे हम लोग पूजा कर रहे हैं। ये साल हमारा पट्टीमलई मुरुगन कोविल मुरुगन टेम्पल में 18 साल 500 स्वामी आज कल से जा रहे हैं शबरीमलई के लिए। आज महा अन्नदान में इसीलिए सभी भक्त जनगल के लिए हम लोग मान रहे हैं। अच्छा रहने के लिए अंडमान निकोबार में सभी जनगल के लिए हम लोग मान रहे हैं, अच्छा रहना है। ये कोरोना की वजह से 2 साल हम लोग के लिए पूरा पूजा नहीं कर पाया। ये साल अच्छा तरीक़ा से अच्छा पूजा कर रहा हूँ। सभी को आशीर्वाद चाहिए। ये शबरीमलई केरला में हम लोग जा रहे हों, सभी को आशीर्वाद मिलना चाहिए, ज़रूर मिलेगा। जो दिल में मान के आ रहे हो, जो भक्त जनगल, सभी को सभी मिलेगा। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। थैंक यू सर, थैंक यू। इस वार्ड के वेट्रीमलाई मुरुगन टेम्पल जिस वार्ड में है, यहाँ के जो काउंसलर है श्रीमती मंगई जी, उनसे बात करते हैं और आज के इस पूजा के बारे में थोड़ा जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आज इस पूजा है अयप्पन का दर्शन मिलना है यहाँ में सभी भक्तों को, सभी पब्लिक को। आज यहाँ में पूजा होता है इसलिए अयप्पन का दर्शन इधर ही में हो रहा है। जो अयप्पन मंदिर उधर केरला नहीं जा पा रहे वो इधर में हम लोग अच्छा तरीका से यहाँ में अयप्पन जैसा यहाँ ही में बैठा है उस तरह आज हम लोगों को दिखने मिला। बहुत अच्छा लगा। हमारा दीपवासियों का सब अच्छा से अभी आने वाला समय में हम लोग पूजा पाठ और अच्छा से करना, सबका हेल्थ अच्छा से रहना, हम लोग सब अच्छा से खुशी मनाना, क्योंकि कोरोना काल में तो बहुत कुछ हम लोग खो चुके हैं। अभी आने वाला समय हम लोग के लिए अच्छा रहना, ये वाला विनती हम भगवान से करें। हमारा दीपवासी, हमारा वार्ड जनता सब कोई अच्छा रहना, खुशी से रहना। थैंक यू मैम। चलिए हम अभी तमिल सेल्वम अन्ना जी से जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। सबको नमस्कार। आज वेट्रीमलई मुरुगन मंदिर में 55 ईयर्स है, ये 55th ईयर है। 500 स्वामी जी लोग व्रत लेके उपवास करके अयप्पन मंदिर के लिए कल निकल रहा है यहाँ से। बहुत अच्छी तरीक़ा से जैसा हमारा काउंसलर मैडम जी बताया उसी तरह वहाँ पे जो भी लोग जाना नहीं पाया, जाने के लिए मुश्किल हो रहा है, उन लोग यहाँ पर वही स्वामी अयप्पन शबरीमला में जो स्वामी हैं यहाँ पे बैठा हम लोग दर्शन देता जैसा है, बहुत बढ़िया से वहाँ पे बना के रखे हैं, बहुत अच्छा रहा है। 55 वर्षங்களாக ஸ்ரீ வெற்றிமலை முருகன் கோவிலில் இந்த ஐயப்பன் பூஜை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. ஏறத்தாழ 500 சுவாமிகள் உபவாசம் இருந்து தொடர்ச்சியாக 45 நாட்கள் மண்டல விரதம் இருந்து இன்று இந்த பூஜையை நடத்துகிறார்கள். இந்த பூஜையின் பலனாக இந்த தீவு மாத்திரமல்ல, இந்த தேசமே, இந்திய தேசமே மக்களுக்கு எந்த நோய் நொடியும் வராமல் சுகமாக இருக்க வேண்டும், ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலைமையில் இந்த தேசம் இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இந்த பூஜை நடைபெறுகிறது. இந்த பூஜையில் 500 சுவாமிஜிகள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாளை அவர்கள் சுவாமி அய்யப்பன் மலைக்கு கிளம்புகிறார்கள். சுவாமி மலைக்கு தரிசனம் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்காத பக்தர்கள், வாய்ப்பு கிடைக்காத மக்கள், அவர்கள் நேரிலேயே சுவாமிமலை முருகனை, சபரிமலை முருகனை இங்கே தரிசிக்கும் அளவிற்கு மிக அருமையான அலங்காரம் செய்திருக்கிறார்கள். மனதிற்கு மிகவும் நிறைவாக இருக்கிறது. ஏறத்தாழ 5,000 மக்கள் இன்று அன்னதானத்தில் இன்று உணவு அருந்த இருக்கிறார்கள்.
இந்த ஏற்பாடுகளை செய்த வெற்றிமலை முருகன் நிர்வாகத்திற்கும் 500 இங்கே உபவாசம் இருந்து இன்று இந்த பூஜையில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து சுவாமிஜிகளுக்கும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அத்துணை மக்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 55வது இடம் வெற்றிமலை முருகன் திருக்கோயிலில் 50 வருஷமாக பூஜை நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஐயப்பா பக்தர்களுக்கு நல்ல வளம் பிரசாதம் வழங்கிட்டு இருக்கோம், அன்னதானம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் ஐயப்பன் அருளால் எங்கள் குருசாமி தலைமையில் சீரும் சிறப்புமாக நடைபெறுது. வருஷ வருஷம் ஒரு 5000 பேருக்கு மேலே சாப்பாடு வழங்கிட்டு இருக்கோம். சாமியை சரணம் ஐயப்பா. தேங்க்யூ. ये जो महा अन्नदानम हो रहा है इसको लेकर चलिए. अभी हम जो अरेंजमेंट हुआ है इसके लिए हम जय कुमार जी से बात करते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार सर. जो मेरा जो है 25 साल का जो है ये मेरा का उसका 30 साल के ऊपर में जो है हम लोग अन्नदानम कर रहा है. बराबर जो है ऊपर नीचे दोनों फ्लोर में हम लोग को अन्नदानम दे रहा है. वो भगवान का तो पूजा भी दसरा है. मेरा गुरु जी है अनबरसन गुरुस्वामी है. उन लोग के हिसाब से वो कर रहे हैं. कई सारे श्रद्धालु आए हैं आज यहाँ पे. जो गुरुस्वामी का जो है मेरा अनबरसन गुरुस्वामी का 31st ईयर है. मेरा जो है 25 ईयर है. सिल्वर जुबली है. जय कुमार स्वामी का सिल्वर जुबली है. और हर साल बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया. जी 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 हर साल बना रहे हैं. जो बात करने के बहुत बहुत. हम आपको बता दें कि भगवान अय्यप्पा की पूजा जो मुरुगन मंदिर में चल रही थी वहां आज हजारों श्रद्धालु आए थे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए. साथ ही वार्ड काउंसलर मैडम ने भी पूजा में हिस्सा लिया और भगवान का आशीर्वाद लिया तथा सबके लिए प्रार्थना करने की बात कही. हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम भी यही प्रार्थना करती है कि वहाँ मौजूद सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो और आने वाले सालों में इसे और भी भव्य रूप से पूरे द्वीप में मनाया जाए. अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें. इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ. नमस्कार.